बहुत डर रहे हैं, इसलिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी। तो हम आए हैं केक लेने रात के लिए और बर्थडे के लिए। अभी हमने केक की ऑर्डर दे दी है और अभी हम जाएंगे प्लेट्स वगैरह लेने और उसके बाद स्नैक्स की ऑर्डर देने, क्योंकि यार मेरे फ्रेंड्स आएंगे तो कुछ तो देना पड़ेगा ना खाने के लिए। केक ही देंगे क्या? ये कैसा एक्साइटमेंट रिएक्शन था? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shreya. Happy birthday to you. Friends, welcome back to my channel. तो जैसे आपने रात को देखा, हमने केक कट किया इसलिए हम लेट सोए थे, तो इसलिए मैं लेट उठी हूँ और फिर मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और ब्रेकफास्ट के बाद अभी मैं थोड़ी जर्नलिंग कर रही हूँ। ये देखो मेरी हैप्पी बर्थडे की फर्स्ट जर्नलिंग इन द ईयर। वैसे ना मुझे जर्नलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अभी एक और जर्नलिंग करूँगी इसके बाद। मुझे बहुत मज़ा आता है जर्नलिंग करने। तो अभी ये होने वाला है, वो होने वाला है, मैं ऐसा नहीं बताऊँगी, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो देखने के लिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो करो, मैं फाइव टाइम देखती हूँ। 1 2 3 4 5 कर दिया ना। चलो अभी वीडियो देखते हैं। अभी ये सब मैंने, आपने जैसे रात को देखा तो मुझे स्टिकर्स मिले, स्टिकर शीट भी लाई है मैंने हैंडमेड स्टिकर्स बनाने के लिए और यहाँ पर मेरी जर्नलिंग और ढेर सारा मैसेज है यहाँ पर। और वैसे क्लास का टाइम भी हो रहा है तो जल्दी से सब समेट के फटाक से बात लेके मुझे जाना है क्लास करने, ऑनलाइन क्लास करने। तो मैं बोलती हूँ सीधे ऑनलाइन क्लास करते हुए। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा ऑनलाइन सेशन शुरू हो गया और आज मुझे ज्वाइन करने के लिए लेट हो गया। क्लासेस खत्म होने के बाद मैं कर रही हूँ अभी लंच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और लंच में बना है चिकन चिली एंड फ्राइड राइस। अभी आप सोच रहे हो बाहर का खाना क्यों खा रही हो, शाम को तो बाहर का खाना खाना ही है। तो भैया मम्मा ने बनाया, घर पर बाहर का नहीं है। अभी मेरा ये सब फेवरेट है, मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं खा रही हूँ चिकन चिली। ये जरूर ट्राई करना, बड़ा अच्छा बनाती है मम्मा। इस लड़की ने एक बलून ब्लो किया है एंड शी कैन नॉट टाइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं पापा को पूछ पूछ के रिबन्स को कर्ल कर रही हूँ और पापा ने मुझे एक मेजरमेंट दी, उसी हिसाब से मुझे कट करना था। और पापा यहाँ पर बलून्स फुला रहे हैं, ये देखो। और मैंने पापा को मतलब दो ऐसे रोप्स दिखाए सैंपल की ओर पर कि मैंने ऐसा करना है क्या। फिर पापा तो बलून फुलाते फुलाते ही थक गए और यहाँ पर मम्मा आई और मम्मा बोली कि मैं भी थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पर पापा ने बलून ब्लो करके रखे हुए थे और मैंने पापा को एक बलून दिखाया एक रिबन स्टिक करके। पापा ने बोला ऐसे ही स्टिक करना सारे के सारे बलून्स पे और फाइनल लुक अच्छा आएगा। फिर तो अभी नॉर्मल प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये हमारा अभी डेकोरेशन है और अभी हमारा प्लान है बलून से निकल आएगा।
लेकिन वो प्लान कंफर्म नहीं हुआ। सब लोग देख रही हो हम लोग कितनी मेहनत, वैसे पापा मम्मी ने ज़्यादा की है लेकिन मेरे इस उंगली ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, देखा आपने। तो वही है, आगे बलून सभी डालने का प्लान है नीचे। So let's do it. तो यहाँ पर छोटा बलून है, यहाँ पर मेरे यूनिकॉर्न आराम कर रहे हैं, यहाँ पर मेरी एलेक्सा भी आराम कर रही है, और ये दोनों जुड़ा तो लगते नहीं है। और लेकिन आई हेट जॉइंट बलून्स, सो ये डेकोरेशन मेरा फेवरेट है। एंड सी द अपर डेकोरेशन, बड़ा अच्छा बनाया है। और मुझे ना ये डेकोरेशन से ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, पर ऐसे एक स्ट्रिंग आई है, मैं सोच रही थी यहाँ से ना यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिंग डाल दें, यहाँ पर मतलब ऐसे स्ट्रिंग लगा और ऐसा कर कुछ कर दो, ये मुझे वैसे अच्छा ना है लगा अच्छा हमारा। लेट्स बिगिन। पापा आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, इस बर्थडे के इसमें पूरा थका दिया है। श्रेया ने इस बार बहुत हेल्प किया, मगर टू बी वेरी फ्रैंक थैंक यू। मामा आप बताइए। क्या बताएं, प्रिपरेशंस चल रहे हैं और माइक में बताइए। बर्थडे में जरूर आना, बर्थडे में तो ऑलरेडी है, उन्होंने बहुत मदद भी कर दी है, वीडियो को लाइक किया है उन्होंने कर दिया ना। प्लांट्स तो हम मॉडलिंग कर रहे हैं। एक्चुअली प्लांट्स ना मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन के है, ये वाला प्लांट एंड ये वाला प्लांट मैंने मतलब एक एक कॉर्नर तो अच्छा नहीं लगता, तो दोनों कॉर्नर के लिए ये वाला प्लांट भी लाया है। सो आई लव दिस एंड आई लव दिस एंड दिस आल्सो। आप और एंजॉय करो, देखो कितना अच्छा है। पापा क्या आप मेरी थोड़ी और तारीफ कर सकते हैं? क्या आप मेरी और तारीफ कर सकते हैं प्लीज? हमको सुनने में अच्छा लग रहा है। तारीफ पे तारीफ। सो दिस इज योर डे, तो आज आपकी तारीफ तो बनती है। यस, पांच तारीफ करना, चलो शुरू। पांच तारीफ, सो मेरे पांच सेकंड में पांच तारीफ नहीं, पांच सेकंड में एक तारीफ होनी चाहिए। आज 11 o'clock को उठे आप? नहीं, मैं 11 o'clock को उठी हूँ। उसके बाद 2 बजे नहाने गई? नहीं नहीं, मैं फोन एक को गई हूँ गाइस, मैं लेट लेक्चर ज्वाइन किया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया लेक्चर। नहीं, मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट किया लेक्चर, मेरी क्या गलती, मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरी की गलती। इतना होने के बाद भी हमने उसको डांटा नहीं, सबसे बड़ी बात। ये आपका हो गया, इनकी तरफ कोई देखे, डांटने की दुकान। फाउंडेशन तो लग चुका है मेरे फेस पे, नाउ इज इट टाइम फॉर कंसीलर। सो मैं अभी कंसीलर लाती हूँ। सो ब्लेंडिंग इज डन, और अभी आप सोच रहे अरे डार्क होता है वहाँ पर तो ऑरेंज कंसीलर लगाते हैं, और नहीं तो लाइट ग्रीन कंसीलर लगाते हैं, हमारे पास तो नहीं इसलिए हम कंसीलर ही लगाते हैं। और उसके बाद अभी हम आए यहाँ पर भी कंसीलर लगाना है, मुझे आपको सिर्फ 2 मिनट्स में। ये देखो मैं रेडी होकर आ गई, और दिस वॉज माई फाइनल लुक। और 7 o'clock के बाद मेरे फ्रेंड्स आना शुरू हो गए, और ये पीछे मेरे दादाजी बैठे हैं, और मम्मा किचन में कुछ प्रिपरेशंस कर रही है, और ये देखो मेरी बुआ आई, मेरी बड़ी माँ आई, और सब लोग अभी यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं मेरे बर्थडे की, और सब लोगों की यहाँ पर बातें चल रही है, और पापा नीचे मैट बिछा रहे हैं। के बाद हम लोग प्रेयर्स लेंगे। तो यहाँ पर सब
आप लोग मेरी आरती उतार रहे हैं जिसको हम लोग ऑक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट मम्मा की टर्न हो गई, अभी आई है मेरी मैया जी जो अभी मेरा ऑक्शन कर रही है। कितने स्पेशल होते हैं ना हम उस दिन। ये आ गई मेरी बुआ, मुझे बहुत पसंद है बर्थडे डेज। क्या आपको भी पसंद है? ऐसा लगता है कि पूरे साल एवरी डे हमारा बर्थडे होता रहे। और ये है हमारी विजया जी, और ये है मेरी भारती जी। क्या अच्छी प्यारी सी। और मेरे फ्रेंड्स देखो पीछे मस्ती कर रहे हैं और बोल रहे इसका कब होगा। और ये है मेरी मामी जी, सबसे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और ये है मेरी बड़ी माँ, उनसे भी मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले। और ये है मेरी मम्मी, पीछे देखो ऐसा लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स बोर हो रहे हैं लेकिन वो सारे भी एंजॉय कर रहे थे। और ये है मेरी फ्रेंड की मॉम, ये मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड है। और ये है हमारी नेबर, आई मीन नेबर आंटी। ये है मेरा यूनिकॉर्न थीम केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्रेया। खाने में बहुत मज़ा आता है। आपकी बर्थडे पार्टी पे भी ऐसा फन होता है क्या? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ये है मेरे मामा, जो बात लगते नहीं है ना। और ये है मेरे पापा। केक खा के तो मेरा पेट ही भर गया था और अभी ऐसा लग रहा था कि गिफ्ट कब मिलेंगे। पेट भर गया है, अभी गिफ्ट दे दो। और फाइनली गिफ्ट टाइम आ गया है, फोटो भी चल रहे हैं और गिफ्ट लेना भी चल रहा है। इस बार हमने थॉटफुल रिटर्न गिफ्ट दिए, राइटिंग पैड्स। आपको अच्छे लगे क्या गिफ्ट्स? मुझे लाइक करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, आप मेरे फ्रेंड्स के हाथ में जो बॉक्स देख रहे हो ना, उसमें है पेस्ट्री, समोसा, वेफर्स एंड चॉकलेट्स, जिससे कि मेरे फ्रेंड्स घर में जाकर भी आराम से खा सकते हैं। अभी केक कटिंग वगैरह हो गया था और थोड़ा लेट भी हो गया था ना, तो इसीलिए सारे फ्रेंड्स घर पे जा रहे थे। और ये भी मेरे फ्रेंड्स हैं, और जो पीछे है ना वो मेरी बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट स्कूल फ्रेंड है। ये देखो, ये है मेरी स्कूल फ्रेंड जिसका नाम है नारायणी। और ये है मेरी कज़न सांची, और ये भी मेरा एक बिल्डिंग में का फ्रेंड है। अरे फ्रेंड्स के गिफ्ट दे के हो गए, अभी मेरी फैमिली मुझे गिफ्ट दे रही है। ऐसा लग रहा है कि साल भर का कोटा मेरा अभी कंप्लीट हो जाएगा। मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि क्या गिफ्ट होगा, क्या गिफ्ट होगा। आप भी गेस करना मेरे साथ। दादाजी और बुआ के गिफ्ट देने के बाद ये आए हमारे नेबर अंकल आंटी और सागर दादा। ये देखो, ये है मेरे पापा की फ्रेंड। देखो मेरे गिफ्ट्स की दुकान, आओ फ्री में भी कुछ मत ले जाओ और पैसे देके भी कुछ मत ले जाओ।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे गिफ्ट का मेस। तो अभी मुझे तो सब लोग ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, मुझे बहुत मजा आया, सब लोगों ने एंजॉय किया, सो होप आपने भी एंजॉय किया हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।